वेलकम स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का एक इवेंट है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, फ्रूट एंड सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या कहता है कि जाइगोट ग्रो टू फॉर्म एम्ब्रियो, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। वेयर एज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल प्रोड्यूसेस एंडोस्पर्म फॉर द नरिशमेंट, दैट मीन्स जाइगोट सेल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है, नरिशमेंट एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है जो नरिशमेंट में काम करेगा। अब क्या कहता है, कहता है व्हेन द एम्ब्रियो मैच्योर द ग्रोथ इनहिबिटर आर फॉर्म, जैसे ही एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तो ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। क्या करना शुरू हो जाएंगे, एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। वी स्टॉप द फर्दर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो की फर्दर ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो एम्ब्रियो की ग्रोथ कब तक होगी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। जैसे मैच्योर हो जाएगा तो ग्रोथ इनहिबिटर आ जाएंगे और वो क्या कर देंगे, उसकी फर्दर ग्रोथ जो है वो रोक देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीड, तो ओव्यूल था जैसे फर्टिलाइजेशन हुई वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में चेंज गया। एंड द इंटेगमेंट आर फॉर्म्ड इन द सीड इनटू द सीड कोट, और जो उसके बाहर कवरिंग थी, ठीक है, जो इंटेगमेंट थे ओव्यूल के वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गए। जैसे हमारे को पता है कि जो कॉमन एम्ब्रियो होता है, ओव्यूल होता है, वो क्या होता है, बायटैगमिक होता है। तो बायटैगमिक में दो इंटेगमेंट प्रेजेंट होंगे, अगर दो इंटेगमेंट हैं तो उसमें क्या हो जाएंगे, दो इंटेगमेंट कौन से होंगे, एक आउटर होगा एक इनर होगा। जो आउटर वाला इंटेगमेंट है वो क्या बना देता है, सीड में क्या बनेगा, टेस्टा की फॉर्मेशन बनाएगा सीड कोट में, और दूसरा जो है इनर वाला क्या बनाएगा, टैगमिन। दैट मीन्स जो ओव्यूल के इंटैगमेंट हैं वो क्या बनाएंगे, सीड के कोट बना देंगे, सीड कोट बना देंगे। अब देखो अगले बात क्या है, कहता है ओवरी आफ्टर द मैच्योरेशन कन्वर्टेड फ्रूट, जो ओवेरी थी, जो इमेच्योर ओवेरी थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट की फॉर्मेशन कर देगी। किसकी फॉर्मेशन कर देगी, फ्रूट की फॉर्मेशन। एंड द ओवेरी वॉल स्टिमुलेट टू ग्रो एंड फॉर्म फ्रूट वॉल, और जो ओवेरी की वॉल थी वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी फ्रूट की वॉल। जैसे सीड की जो ओव्यूल के इंटेगमेंट थे वो सीड कोट बना रहे थे, इसी तरीके से जो ओवेरी की कवरिंग है, वॉल है, वो क्या बना रहा है, फ्रूट की वॉल फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। तो सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में आपको समझ आ गया होगा कि जो ओव्यूल है वही मैच्योर होके क्या बनता है, सीड बनता है, और जो इमैच्योर ओवेरी है वो मैच्योरेशन के बाद क्या बनाएगा, मैच्योर ओवेरी और राइपन ओवेरी, उसी को हम ओवेरी कहते हैं। और जो ओव्यूल की इंटेगमेंट है वो बना देंगे आपके सीड के कवरिंग, सीड कोट बना देंगे, और जो ओवेरी की वॉल है वो उसकी फ्रूट की वॉल फॉर्मेशन कर देंगे। अब अगली बात आती है कि फ्रूट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रूट जो मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड द पार्थोजेनिक फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो तीन तरह के फ्रूट्स हैं। सबसे पहले ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं, द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवेरी, जो ओवेरी से डायरेक्ट फ्रूट फॉर्मेशन होती हैं उन फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो ट्रू फ्रूट कौन सा होगा, जो ओवेरी से बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो ओवेरी मैच्योर होके क्या बनाएगी, फ्रूट राइपन ओवेरी बनेगी या फ्रूट बनेगा, उसी को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। जैसे मैंगो के किसी से, तो मैंगो इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट की एग्जांपल कौन है, मैंगो। नेक्स्ट बात करता है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट की बात कर रहे हैं कि फॉल्स फ्रूट क्या है, फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स एंड थैलेमस, दैट मीन्स जो भी फ्रूट ओवेरी से ना बनके किसे बन रहे हैं, किसी फ्लोर पार्ट से बन रहे हैं, ठीक है, या थैलेमस से बन रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट वो होंगे जो ओवेरी से नहीं बनके बल्कि किसी इंटेगम किसी थैलेमस से या फ्लोर प्लांट से बन जाए, जैसे एप्पल स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एप्पल स्ट्रॉबेरी जो है दे आर नोन एज द फॉल्स फ्रूट। जो एप्पल है वो थैलेमस से बनता है, तो एप्पल में जो है
जो एप्पल जो फ्रूट है वो किससे फॉर्मेशन करता है, थैलमस से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ रही है हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या हैं? व्हेन द फ्रूट डेवलप विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई फ्रूट बनता है उस फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऊपर वाले के केसेस में फर्टिलाइजेशन हो रही थी, बट क्या कह रहे हैं, पहले वाले में तो ट्रू फ्रूट की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, और सेकंड वाले में फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ट्रू फ्रूट के केसेस में जो मैच्योरेशन ओवेरी बना रहा था, और सेकंड में ओवेरी नहीं कि थैलमस पार्ट या फ्लोर पार्ट्स बना रहे थे। अब अगर यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, कहता है बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। दीज फ्रूट आर फॉर्म्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये फ्रूट्स कैसे ग्रो करते हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ही फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के ही, जैसे ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन अगर आप कई प्लांट्स में जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, तो अगर हम ऑक्सिन ज़्यादा डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उनको स्टूमुलस मिल जाएगा। सिंपल हार्मोन के स्टूमुलस से ही क्या हो जाएगा, वो फ्रूट की फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, जैसे बनाना। तो बनाना इज एन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, दैट मीन्स विच इज़ फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के बढ़ रहे। अब देखो बात क्या है, अगली बात आ रही है कि जो फ्रूट की फॉर्मेशन है या सीड की फॉर्मेशन है, वो उसको उनको कैसे पता लगता है कि अब हमने मैच्योर होना है, ठीक है। तो उसकी मैच्योरेशन की के लिए कुछ ना कुछ स्टिमुलस आएगा। तो वो जो सिग्नल हैं वो दो तरह के सिग्नल, ठीक है। पहला सिग्नल है स्टिमुलस फ्रॉम द पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन से ही स्टिमुलस आ जाएगा, ठीक है। जैसे पता है कि हाँ जी पॉलिनेशन हुई, तो उनको एक स्टिमुलस, जैसे पॉलिनेशन एक्सेप्टेंस हो गई, यानी पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन हुई और वो सेम का एक्सेप्टेंस हो गई, जब पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट आया, एक्सेप्टेंस रिजल्ट आया, तो उसी से रिजल्ट से ही क्या हो जाते हैं, कुछ प्लांट जो हैं वो फ्रूट की डिवेलपमेंट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कई केसेस में क्या होता है, सिर्फ पॉलिनेशन के स्टिमुलस से ही फ्रूट की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो वो उस तरीके से जो है स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। अब कुछ प्लांट्स जो है सिर्फ पॉलिनेशन के स्टिमुलस से ही नहीं, वेट करते हैं किसके, ठीक है, स्टिमुलस फ्रॉम डेवलपिंग सीड से भी। अब डेवलपिंग सीड से क्या मतलब हो गया, कि अब सिर्फ पॉलिनेशन में सिर्फ पोलन ग्रेन गिरा था, अब पोलन ग्रेन जाकर क्या करेगा, वो फर्टिलाइज करेगा किसको, एग को, ठीक है। एग अपरेटस जो है आपका, उसके बीच में सिनर्जी या उस फेयर को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। जैसे ही मेल गैमेट उसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, जो ओव्यूल है उसको एक सिग्नल आएगा, और ओव्यूल को जब सिग्नल आएगा तो वो क्या करेगा, सीड की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो गया, तो जैसे ही ये स्टिमुलस हुआ तो फ्रूट को भी, ओवेरी को भी स्टिमुलस आ गया कि अब उसने क्या करना है, राइपन हो जाना है, और राइपन ओवेरी और फ्रूट की फॉर्मेशन करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो स्टिमुलस हैं वो दो तरह के स्टिमुलस से क्या होता है, जो फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन होती है, पहला स्टिमुलस उनको आ जाता है बाय पॉलिनेशन से, एंड सेकंड जो है डेवलपिंग सीड से आता है, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी को ये जो टॉपिक है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का समझ आ गया।